सो हेलो गाइस, मैं आपको वीके वाय और आप देख रहे हो वीके वाय गेमिंग स्टार जी। सो गाइस, यहां पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है यहां पे रियल क्रिकेट 22 को लेके, यानी कि नेटिलस मोबाइल ने आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा वाला बिग सरप्राइज दे दिया। वो कौन सा सरप्राइज है इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना जरूर से जरूर। आप लोगों ने टाइटल से आप लोग पढ़ ही लिया होगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट तो मिल ही गया वो क्या हुआ है। तो आप लोगों का भाई यहां पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला है इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। तो वीडियो को लाइक नहीं कर तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को पर नया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी नई वीडियोस डालूं अब तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग इन सारी के सारी वीडियोस को एंजॉय कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज बता देता हूं कि यहां पे नेटिलस मोबाइल इंडिया की सबसे पहली कंपनी बन चुकी है जिसने क्राफ्टन कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया है, या क्राफ्टन कंपनी ने एक कोई भी इंडियन कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट किया है वो है सिर्फ नेटिलस मोबाइल, और इसका कंफर्मेशन हो चुका। मैं आपको सबसे पहले वो प्रूफ दिखाता हूं और उसके बारे में बताता हूं। गाइस, वो प्रूफ आपको स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर ट्विटर पे रियल क्रिकेट 20 वालों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे यहाँ पे एक ट्वीट किया कि वी आर ओवर इंजॉयड टू बी द फर्स्ट गेमिंग कंपनी इन इंडिया दैट द क्राफ्टन है चूजन टू इन्वेस्ट इन विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ $5.4 million। आवर एम इज टू स्ट्रेटन द रियल क्रिकेट IP। अब मैं आपको बता दूंगा इसका मतलब क्या है। तो गाइस, यहाँ पर रियल क्रिकेट 20 वालों ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है गाइस वहाँ पे एक ट्वीट किया कि यहाँ पे वो इंडिया का तो सबसे पहले गेमिंग कंपनी बन चुका है जिसके अंदर क्राफ्टन कंपनी ने $5.4 million USD यहाँ पे इन्वेस्ट किया जी गाइस, $5.4 million USD। और ये बहुत ही बड़ी रकम होती है गाइस, अगर आप लोग इसको इंडियन करेंसी में जाके कन्वर्ट करो तो करोड़ों के अंदर चला जाएगा, लिटरली करोड़ क्रॉस कर जाने वाला है। और इनका बस एक ही एम है कि रियल क्रिकेट 22 या 20 का जो गेम है, जो इनका रियल क्रिकेट जो गेम है, इसको बहुत ही ज्यादा ही ऊंचाइयों पर लेके जाने का। और इसी वजह से ये सारा का सारा जो क्राफ्टन ने इन्वेस्टमेंट किया है रियल क्रिकेट के अंदर ही किया है गाइस, और रियल क्रिकेट को ही ऊपर लेके जाने की वजह से यहाँ पे क्राफ्टन ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो है ना यार, बहुत ही बड़ी बड़ी वाली बिग न्यूज आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बता दूं गाइस इससे क्या होने वाला है। भाई भाई लोगों, देखो ये इतनी बड़ी कंपनी यानी कि क्राफ्टन कंपनी जिसने BGMI को बना रखा है, पबजी मोबाइल को बना रखा है, पबजी PC को बना रखा है, सारे के सारे जितने बड़े बड़े गेम्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं वो सारे के सारे पीछे क्राफ्टन कंपनी का हाथ है। इतनी बड़ी कंपनी अब फाइनली हमारे रियल क्रिकेट 22 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और रियल क्रिकेट 22 को एक अलग ऊंचाइयों पर लेके जाया जाएगा क्योंकि यह $5.4 million का USD का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है गाइस, तो एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। और इसके हेल्प से गाइस ये लोग बहुत ही गेम के ऊपर अच्छे से वर्क कर पाएंगे, अनेकों फीचर्स अनेकों चीज़ें आप लोगों इसके अंदर लेके आया जाएगा जिसको एकदम ऊंचाई पे लेके जाएगा, जो गेम को एकदम नेक्स्ट लेवल को लेके जाएगा। और साथ में यहाँ पे ई स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही महत्व देने वाली है ये जो कंपनी गेम को लॉन्च करने वाली है, क्योंकि ये जो है जब मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा था गाइस उसके अंदर ई स्पोर्ट्स के बारे में भी कुछ बताया गया था कि ई स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा ही टारगेट करने वाली है ये कंपनी। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, गेम बहुत ही ज़्यादा ही बड़ी चीज़ होने वाली है आप लोगों के सामने। ऐसे ऐसे कंपनियों के उदाहरण देख रहे हैं आप लोग, Z Synthetix इसके अंदर इन्वॉल्व है, साथ में आप एक क्राफ्टन वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी है अब इस गेम के अंदर। तो आप लोग सोच सकते हो ये गेम कितना बड़ा उठने वाला है, कितनी बड़ी चीज़ होने वाली है आप सभी के सामने, यानी कि अब तीन तीन कंपनियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को Z Synthetix इन्वॉल्व होने वाली है, नेटिलस मोबाइल खुद इन्वॉल्व होगी, क्राफ्टन कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और एक और बोनस चीज मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपको पता हो तो Z Synthetix और एपिक क्रिकेट वाले जो गेम्स वाले गाइस ये दोनों पहले से कोलैबोरेशन में थे, यानी कि चार कंपनियां एक क्रिकेट गेम, क्या बात है गाइस। आप लोग सोच सकते हो कैसी चीज होने वाली है यहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट गेम, वन ऑफ द ऐसा मान सकते हो कि तबाही मचाने वाला क्रिकेट गेम आप लोगों के सामने लेके आएंगी ये लोग। तो बस इतना ही कहूंगा, एक्साइटमेंट बनाए रखो, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में और नए स्पेशल न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।